हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, मतलब कि इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए आपको कौन सी दूसरी मूवीज और वेब सीरीज को देखना जरूरी है। तो यार, अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सभी ने डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट पार्ट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम को देख लिया होगा। लेकिन अगर कुछ लोगों ने नहीं देखी है तो फिर इन तीनों मूवीज को देखना जरूरी है, क्योंकि तभी आप डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर और उसने क्या क्या कांड किए उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो अब इन तीनों मूवीज को देखने के बाद एक वेब सीरीज है वांडा विजन, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर वांडा जो कुछ भी कर रही है उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन इस वांडा विजन सीरीज में ही छुपा हुआ है। टीवी स्पॉट्स में आपने वांडा के बच्चों को तो देखा ही होगा। तो अब वो बच्चे कौन है, क्या है, दूसरे यूनिवर्स का क्या मैटर है, वो बच्चे पैदा कैसे हुए, उन सभी आंसर आपको इस वांडा विजन सीरीज में ही मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि भाई मैं वांडा विजन सीरीज देखना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती या फिर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो अब उन ऑडियंस के लिए मेरे पास एक मस्त सा जुगाड़ है। चुपचाप से यूट्यूब खोलो और सर्च करो वांडा विजन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरी कहानी को अच्छे से समझा देंगे। तो सिंपली जाओ और उनकी वीडियोस को देख डालो। और हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन को मत छोड़ना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अब वांडा विजन के बाद लोकी सीरीज भी है जिसको आप देख भी सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद इस मूवी में लोकी का कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, मैं लोकी को फिर भी रेकमेंड जरूर करूंगा, क्योंकि ये सीरीज आपको बहुत ही आसान भाषा में मल्टीवर्स और वेरियंट्स के बारे में समझा देगी, जिससे कि आपको दूसरे यूनिवर्सेस और एक ही इंसान के मल्टीपल वेरियंट्स क्यों होते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा। एंड बाय द वे, सीरीज भी एक नंबर है। तो यार, इसलिए अभी नहीं देखना तो मत देखो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बाद जरूर देख लेना। और इन दोनों सीरीज के अलावा एक व्हाट इफ भी आई थी जिसमें आपको दूसरे यूनिवर्सेस की स्टोरी देखने को मिलेगी। घबराओ नहीं, सारे एपिसोड्स देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस एपिसोड नंबर 4 को देख लेना जिसमें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी दिखाई गई है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक इविल वर्जन भी दिखने वाला है, और बस इसलिए कम से कम व्हाट इफ का एपिसोड 4 जरूर देख लेना। और अगर चाहो तो लास्ट के 2 एपिसोड्स भी देख ही लेना, क्योंकि उसमें भी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाया गया था। तो दोस्तों, अब इन सभी चीजों के बाद एक आखिरी मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसको आई थिंक कि सभी ने देखी होगी। लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी है तो इसी मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के दरवाजे खोल दिए थे, जिसके वजह से ही दूसरे यूनिवर्सेस के विलेंस और स्पाइडरमैन एमसीयू के यूनिवर्स में आ गए थे। तो इसलिए ये मूवी भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 5 दिन बचे हैं मूवी के लिए, और इन 5 दिनों में आई थिंक कि आप सभी इन मूवीज और सीरीज को देख ही सकते हो। और वैसे तो ज्यादातर लोगों ने मूवीज को देख ही लिया होगा, तो बस आपको हॉटस्टार पे जाना है और वेब सीरीज को देखना है। वांडा विजन को पूरा जरूर देख लेना, या फिर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो एपिसोड वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को जरूर देख लेना। फिर उसके बाद लोकी चाहो तो देख सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। लेकिन यार, जैसा कि मैंने कहा कि अगर देख लोगे तो मल्टीवर्स और वेरिएंट्स को अच्छे से समझ पाओगे, और व्हाट इफ का बस एपिसोड 4 देख लेना ताकि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए आपको। तो दोस्तों, आई थिंक कि मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीजों को इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो यार, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।